वेलकम बैक टू एसजी रेसिपी गैलरी। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही पॉपुलर और क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी, जिसका नाम है क्रिस्पी कॉर्न। ये क्रिस्पी कॉर्न हर पार्टी और इवनिंग स्नैक्स का मजा डबल कर देते हैं। ये मसालेदार क्रिस्पी कॉर्न बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इस रेसिपी को आप एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग भी घर पे रेस्टोरेंट जैसे क्रिस्पी कॉर्न बना सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्रिस्पी कॉर्न बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप स्वीट कॉर्न, 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 बड़े चम्मच चावल का आटा, 1 प्याज, 1 नींबू, 2 लहसुन की कलियां, 1 अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्ची और थोड़ा सा हरा धनिया। क्रिस्पी कॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले हम हमारे स्वीट कॉर्न को बॉईल कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करके उसमें पानी बॉईल होने के लिए रख देंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारा पानी बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे हमारे स्वीट कॉर्न और इसको बॉईल होने देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे सभी स्वीट कॉर्न ऊपर आ चुके हैं, ये काफ़ी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और हमारे स्वीट कॉर्न को एक छन्नी से छान लेंगे। ये देखिए, हमारे बॉइल्ड स्वीट कॉर्न बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे हमारा राइस फ्लोर, साथ ही साथ इसमें डालेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर। अब हम इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। एक बार हम सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से टॉस कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसमें थोड़ा सा वाटर को स्प्रिंकल करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और फिर से हम हमारे स्वीट कॉर्न को टॉस करेंगे, ये देखिए इस तरह से। इससे हमारे स्वीट कॉर्न पर बहुत अच्छे से कोटिंग हो जाएगी। फिर से हम स्वीट कॉर्न में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर को डाल देंगे। अब फिर से हम हमारे स्वीट कॉर्न को टॉस करेंगे। इसी तरह से हमें 4-5 बार ये प्रोसेस रिपीट करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे कॉर्न बहुत अच्छे से कोट हो चुके हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारे कॉर्न फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। कॉर्न को फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करके उसमें एक पैन गर्म होने के लिए रख देंगे। पैन में हम तलने के लिए तेल डालेंगे। तेल को हम बहुत अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके हमारे स्वीट कॉर्न को डाल देंगे, ये देखिए इस तरह से। हमें स्वीट कॉर्न को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, नहीं तो इसकी कोटिंग खराब हो सकती है। जब तक हमारे स्वीट कॉर्न की कोटिंग बिल्कुल स्टेबल नहीं हो जाती, तब तक हम हमारे स्वीट कॉर्न को बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। इसमें लगभग 2 से 3 मिनट लगते हैं। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। ये देखिए, 2 मिनट के बाद हमारी कॉर्न की कोटिंग एकदम स्टेबल हो गई है। अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे ताकि हमारे कॉर्न चारों तरफ से इवनली कुक हो जाए। ये देखिए, हमारे कॉर्न एकदम अलग अलग हो चुके हैं। हमारे कॉर्न काफी अच्छे लग रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे कॉर्न चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हमें स्वीट कॉर्न को बहुत ज्यादा देर नहीं पकाना है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। एक्सेस ऑयल को हम कढ़ाई में ही निकाल देंगे और ये देखिए, इस तरह से हम आराम से हमारे स्वीट कॉर्न को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारे कॉर्न कितने बढ़िया बने हैं। ये देखिए, हमारे कॉर्न बहुत अच्छे से फ्राई हो गए, ये काफी क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम हमारे क्रिस्पी कॉर्न के लिए एक तड़का बना के तैयार कर लेंगे। क्रिस्पी कॉर्न का तड़का बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करके उसमें एक पैन गरम होने के लिए रख देंगे। पैन में हम 1 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो जाने पर इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। इसको हम अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। हमें इन सब चीज़ों को हाई फ्लेम पे ही भूनना है। ये देखिए, हमारा जिंजर गार्लिक अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। हमें प्याज को हाई फ्लेम पे ही भूनना है, नहीं तो हमारी प्याज पानी छोड़ देगी और हमारा क्रिस्पी कॉर्न सॉगी हो जाएगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं।
इसीलिए हम प्याज को फटाफट हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे ताकि हमारी प्याज बिल्कुल भी पानी ना छोड़े। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक हमको कम ही डालना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच डार्क सोया सॉस, आप चाहें तो लाइट सोया सॉस भी डाल सकते हैं। और सॉस को हम बहुत अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आए। अब हम इसमें फटाफट से हमारे क्रिस्पी कॉर्न को डाल लेंगे और इसको बहुत अच्छे से टॉस कर लेंगे और तुरंत ही हम हमारी गैस को बंद कर लेंगे। हम इसको बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं करेंगे। तो काली मिर्च पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नींबू का जूस डालेंगे, 1/4 चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया और हम इसको अच्छे से चला के टॉस कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए हमारा क्रिस्पी कॉर्न बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। स्वीट कॉर्न की प्लेटिंग करने के लिए सबसे पहले हम हमारे कॉर्न को एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम स्वीट कॉर्न को एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और हरे धनिया का एक स्ट्रिंग लेके इसकी गार्निशिंग करेंगे। ये देखिए हमारा क्रिस्पी कॉर्न बिल्कुल तैयार है। हमारा क्रिस्पी कॉर्न काफी ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बना है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।